क्या संसार में निराशा ही निराशा हाथ लगती है? क्या आशा रखना बिल्कुल ही व्यर्थ है? आशा के कारण ही निराशा हाथ लगती है, संसार के कारण नहीं। संसार को क्या पड़ी? संसार तो बिल्कुल तथस्थ है, सब खेल तुम ही रचा लेते हो, आशा बांधते हो, इससे निराशा हाथ लगती है। आशा का अर्थ है तुम चाहते हो भविष्य ऐसा हो तुम्हारी वासना के अनुकूल, तुम्हारी तृष्णा के अनुकूल, और ये विराट अस्तित्व तुम्हारी क्षुद्र वासनाओं के अनुकूल नहीं चल सकता। और एकाध ही कोई होता तो भी ठीक था, करोड़ करोड़ जन उनकी अरबों खरबों वासनाएं, अगर उन सब की वासनाओं के अनुकूल विश्व चले एक पग भी न चल सकेगा, अभी बिखर जाएगा, अभी खंड खंड हो जाएगा, ये फिर ब्रह्मांड न रहेगा। इसके भीतर जो अभी संगीत है, जो तारतम्य है, इस जगत के भीतर अभी जो एक समायोजन, हर चीज एक दूसरे से तालबद्ध है, वह सब बिखर जाएगा। तुम्हारी व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण अस्तित्व कर सकता है, पूर्ण अंतरण चल सकता है। और हम क्या हैं? हम छोटे से अंश, जैसे सागर की छोटी सी तरंग, तरंग चाहे कि सागर मेरे अनुकूल चले, ये कैसे होगा? और यही हम चाह रहे, इसी असंभव का नाम तृष्णा। हाँ, सागर के साथ तरंग चल सकती तो जीतेगी, फिर कोई निराशा नहीं। लेकिन सागर के साथ जब तरंग चलेगी तो पहले तो आशा छोड़ देनी होगी, फिर कहाँ ले जाए विराट, जो उसकी मर्जी। जीवित ही राखे राम, फिर तुम्हारी कोई आशा नहीं, इसलिए तुम्हारी कोई निराशा भी नहीं हो सकती। आशा के बीज बोओगे, निराशा की फसल काटोगे। सफलता की आकांक्षा करोगे, असफलता की खाइयों में घाटों में गिरोगे। विजय चाहते हो, हार सुनिश्चित है। इस महागणित को ठीक से समझ लो, इससे जिसने समझ लिया वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। अगर जीतना हो तो जीतने की बात ही छोड़ दो, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर जीवन में आनंदित होना तो आनंद पाने की बात ही मत उठाना, आनंद की चर्चा ही मत छेड़ना, आनंद पर अपनी आशा मत टिकाना, और आनंद की वर्षा हो जाएगी। लाओसुन कहे कोई देखू मुझे हराए तो, लेकिन बड़े बड़े पहलवान आप ज्ञानी हैं जरूर, लेकिन देह में तो बड़े बलिष्ठ लोग।